नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टेडियाई क्रिकेट में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान के बेरोजगारों के लिए जितने भी है, जैसे कि कोई ठेला चलाता है, कोई सब्जी बेचता है, या फिर कोई जैसे कुछ भी काम करते हों, सभी को मिलेंगे। और जो विद्यार्थी बेरोजगार, उनको भी 50,000 रुपये मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, क्या है मामला, सारा मामला मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि जो अभी बजट निकाला था, उसमें यह जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी, अब लागू कर दिया गया है। चलिए पूरी जानकारी जानते हैं, यदि आपको भी 50,000 रुपये लेने हैं तो ये रहा यहाँ पर मामला है। क्या है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है, इसमें केवल शहर वालों को ही ये लाभ दिया जाएगा, ग्रामीण इलाकों में ये लाभ नहीं दिया जाएगा। ध्यान से पढ़ सकते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा पूरी जानकारी, PDF फिर टेलीग्राम पर डाल दूंगा, स्टडी आईक्यू अकेडमी के नाम से टेलीग्राम में, वहां से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर खबर है, मुख्यमंत्री कार्यालय ने दी जानकारी। तो मुख्यमंत्री कार्यालय में से ये जानकारी दी गई है, जो कि आपको हम बता रहे हैं। बिना ब्याज और बिना गारंटी, बिना ब्याज और बिना गारंटी के शहरी युवाओं को मिलेगा 50,000 रुपये मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे आपको, 50,000 रुपये मिलेंगे। न तो कोई गारंटी लेंगे आपसे कि आप ये गारंटी दो, आपके डॉक्यूमेंट्स दो, आपको ये देना है, कुछ ही नहीं देना पड़ेगा। ना ही आपको 1 रुपये का भी ब्याज देना है, यानी कि बिना ब्याज आप इनका आनंद ले सकते हैं। देखिएगा तो क्या खबर है, पत्रिका न्यूज की खबर है, ये ऑफिशियल खबर है जो कि आप देख सकते हैं। 17 तारीख की खबर है ये, कब की खबर है, 17 अगस्त की खबर है। खबर बताता हूँ आपको, जयपुर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तो मनरेगा जो चल रही है, सभी गांवों में जो है मनरेगा यानी कि नरेगा चलती है, ठीक है, सभी को पता है। लेकिन शहरी क्षेत्र में अब इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना संबल देगी। तो ये जो है नई योजना चलाई है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इसमें आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। जब चाहे आपका काम है, कुछ आपको रोजगार करना है, तो आप इनमें से पैसे निकाल सकते हैं, जब आपका मन है डाल सकते हैं, जब मन है जब निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी योजना है। देखिएगा और क्या है अपडेट, बेरोजगार युवा स्वरोजगार के लिए थड़ी ठेला लगाने वाले जरूरतमंद खुले खुद के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बिना ब्याज और बिना गारंटी के वर्ष भर के लिए 50,000 रुपये ले सकेंगे। यानी कि कोई थड़ी लगाता है चाय वगैरह की, कोई कचौरी पकौड़ी की, किसी की भी कोई भी कुछ भी चीज़ करता है, उसको भी 50,000 रुपये मिलेंगे। मतलब वो उसके व्यवसाय को बढ़ा सके, अच्छे से काम कर सके, यानी कि उसका भरण पोषण कर सके। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सोमवार को यह जानकारी दी गई। योजना से शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेल्डर्स, सर्विस सेक्टर के युवाओं एवं बेरोजगारों को लाभ होगा। सीएम ने कोरोना को देखते हुए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस को देखते हुए इस वर्ष के बजट में यह योजना लागू करने की घोषणा की थी। तो यह योजना लागू कर दी गई है, आप जाके बैंक में संपर्क कर सकते हैं। कौन कौन ले सकेगा राशि, तो कौन कौन इस पैसे का आनंद ले सकेगा, यानी कि बिना ब्याज आपको किसी जो है साहूकार से आपको पैसे लेने की जरूरत नहीं है, किसी बैंक में आपको इधर उधर चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए जानकारी पढ़िएगा, स्ट्रीट वेल्डर्स, हेयर ड्रेसर यानी कि जो कटिंग वगैरह करते हैं उनको भी, और जो रिक्शा चालक है जो रिक्शा चलाते हैं उनको भी, लकड़ी का काम करने वाले को भी, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को भी, चप्पल जूते ठीक करने वाले को भी, और निर्माण कार्य में लगे मजदूर, कपड़े सिलने वाले, कपड़े धोबी धोने वाले यानी कि कपड़े सिलने वाले, कपड़े धोने वाले, रंगाई पुताई करने वाले, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर सहित असंगठित क्षेत्र के अन्य लोगों को एवं बेरोजगार युवाओं को, सभी को 50,000 रुपये मिलेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर इन सभी को ये पैसे मिलने वाले 50,000 रुपये का, इनको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, 1 साल तक आनंद ले सकते हैं। ये एक अच्छी योजना है, मुख्यमंत्री को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो है कोरोना वायरस में इतना बड़ा जो है सोच के जो है बजट निकाला है, जिससे बेरोजगारों में जो है बड़ी आस जगी है। किसी के पास रोजगार नहीं है तो वो रोजगार के लिए 50,000 रुपये ले सकता है, और बेरोजगार है उसके घर पे खाने वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है, वो रूम लेके रह रहा है, रेंट लेकर ले रह रहा है, घर की स्थिति सही नहीं है, अभी फसल नहीं हुई है, ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, शहरों में रहते हैं,
तो उनको पैसे चुका सकते हैं, उनका काम कर सकते हैं अपना काम, ठीक है। तो ये एक अच्छी योजना है, इस योजना का मैं भी स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को अपने मित्र को जरूर शेयर करें। आपके काम की नहीं है तो दोस्तों दूसरे को तो करें, कम से कम उसका तो भला हो सकेगा। यदि आप में इंसानियत है तो इसको जरूर शेयर करें, मेरे लिए शेयर नहीं, आप किसी दोस्त के लिए शेयर करें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, लाइक मत करना, सब्सक्राइब मत करना, बस शेयर कर देना। एक आपका शेयर किसी का भविष्य बना सकता है, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी आई क्यू में मिल जाएगी, वहाँ से इस पीडीएफ को भी ले सकते हैं इजीली। धन्यवाद।